हेलो बच्चों आज मैं आपको क्लास टेंथ जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर फिफ्टी कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो आज की वर्कशीट का टॉपिक अगेन अरेथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है लेकिन आज हम उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले देखो हमने दो फॉर्मुलेस किए एक ए एन वाला किया जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है जिसमें आपको ए डी और ए एन पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद एक हमने एस एन वाला भी किया था अगर आपको याद हो तो लास्ट वर्कशीट में ही किया है टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो आज यही दोनों फॉर्मूले यूज करने वाले हैं जहां पर जो सा फॉर्मुला लगेगा कि ये लगाना है तो वो यूज करके हम क्या करेंगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं देखो यहाँ पर लिखा है पहले स्टार्टिंग रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है एंथ टर्म कैन बी फाइंड बाय द फॉर्मुला ए एन इज इकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी सेम चीज लिखी है जो अभी हमने की है जो कि ए एन जो है वो क्या होती है एंथ टर्म होती है इट कैन बी एनी टर्म एंड द वैल्यू ऑफ एन इज ऑलवेज पॉजिटिव और एक चीज ध्यान रखिएगा एन की जो वैल्यू होती है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना देखिए कि एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है दस टर्म्स है बीस टर्म्स है तीस टर्म्स है वो नेगेटिव में हो नहीं ना तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है ठीक है उसके बाद आपको बताया ए क्या होता है डी क्या होता है एन क्या होता है कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे ये सब ह, अब हमें अच्छे से आता है क्योंकि हम इसकी दो वर्कशीट कर चुके हैं अच्छे से ठीक है ना चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं यहाँ क्या कह रहा है आपसे हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिजिबल बाय थ्री बताओ ऐसे टू डिजिट के कितने नंबर है जो थ्री के टेबल में डिवाइड होते हैं थ्री के टेबल से हाउ मेनी टू डिजिट नंबर इसका मतलब आपसे वो यहाँ एन पूछ रहा है कितना है सबसे पहली बात तो ना क्वेश्चन रीड करके हमें ये पता चलना चाहिए कि वो क्वेश्चन में हमसे पूछ के आ रहा है ए पूछ रहा है डी पूछ रहा है ए एन पूछ रहा है या एन पूछ रहा है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर वो नंबर पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर हैं दो डिजिट के जो थ्री से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब वो एंड पूछ रहा है है ना अब इसे करेंगे कैसे वो देखो टू डिजिट नंबर देखा जाए तो टेन से शुरू हो जाते हैं पर टेन नहीं आता थ्री की टेबल में इलेवन भी नहीं आता ठीक है ट्वेल्व आता है तो ट्वेल्व से हम अपनी ए पी बनाते हैं ट्वेल्व आता है उसके बाद फिफ्टीन आता है उसके बाद एटीन आता है कंटिन्यू करते रहते हैं लास्ट टू डिजिट नंबर हमारे पास नाइनटी नाइन होता है क्योंकि उसके बाद तो हंड्रेड आ जाता है वो थ्री डिजिट होता है और नाइन्टी नाइन थ्री के टेबल में आता है ठीक है तो ध्यान से देखो तो ए आपको ट्वेल्व दे रखा है यहाँ पर डी आपको कितना दे रखा है फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व करोगे तो थ्री आ जाएगा साथ साथ ए एन जो कि लास्ट टर्म होती है वो भी मुझे दे रखा है नाइन्टी नाइन ये हमेशा याद रखना है ए एन जो है वो लास्ट टर्म होती है ये हमने सम वाले फॉर्मूले में भी किया था किया था ना ए प्लस ए एन या फिर ए प्लस एल कर रहे थे उसको ठीक है ना तो अभी ए एन का फॉर्मूला होता है मेरे पास ए प्लस एन माइनस वन डी तो ए एन है मेरा 99, नाइन ए है मेरे पास 12, एन नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में मुझको वही फाइंड करना है और डी मेरे पास थ्री है ठीक है उसके बाद यहाँ पर 99 नाइन ऐसी है ये 12 इधर आ गया और यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस वन और इन में थ्री अब इसको माइनस किया तो सेवन एट नाइन में से वन गया एट आप में थ्री कर दिया मैंने जो मल्टीप्लाई का था इधर आके डिवाइड का कर दिया है। इसको डिवाइड करते हैं तो टू या सिक्स हो जाएगा ट्वेंटी नाइन हो जाएगा यहाँ आ जाएगा एन माइनस वन तो एन कितना आ जाएगा इधर आके प्लस का वन हो गया तो एन आ जाएगा थर्टी ठीक है ये पता होना चाहिए ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर सम वाला लगाना है देखो क्वेश्चन में सम के लिए नहीं बोला तो सम वाला नहीं लगाएंगे हमसे एन निकालने को बोला वो ए एन से इजिली निकल जाएगा क्योंकि तीन चीजें हमें पता थी तो एन आ गया थर्टी क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन अ फ्लाव फ्लावर बेड देयर आर ट्वेंटी थ्री प्लांट्स इन द फर्स्ट रो एंड टू प्लांट्स आर लेसर इन ईच सक्सीडिंग रो फाइंड द नंबर ऑफ सन फ्लावर्स प्लांट इन द टेंथ रो ऑफ द फ्लावर बेड देखो कह रहा एक है एक फ्लावर बेड है जहाँ पर ट्वेंटी थ्री सन फ्लावर प्लांट है फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में ट्वेंटी थ्री है अब जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ना सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो हर एक में टू टू कम होते रहेंगे ठीक है तो ट्वेंटी थ्री के बाद ट्वेंटी वन हो जाएंगे देन नाइनटीन हो जाएंगे ऐसे ही ए पी चलती रहेगी आपको क्या करना है आपको ये बताना है कि कितने सन बेड्स प्लांट होंगे टेंथ रो में तो इसका मतलब आपको ए टेन यहाँ पर बताना है कितने होंगे ठीक है लेकिन लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ टेंथ रो में बताना है कितने होंगे ठीक है ना ये फर्स्ट रो हो गई सेकेंड हो गई थर्ड रो हो गई ठीक है अब आप बताओगे कैसे फॉर्मूला होता है आपके पास ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है अभी यहाँ पर ए आपको पता है ट्वेंटी थ्री और हर बार दो दो प्लांट कम हो रहे हैं ठीक है थीके? ना ए टेन आपको यहाँ पर बताना है तो एन की जगह तो टेन आ जाएगा माइनस वन डी की जगह टू आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी थ्री टेन में से बन जाएगा तो कितना बचेगा नाइन नाइन टू जगह कितना हो जाएगा एटीन हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक सेकेंड डी कितना आएगा डी हमारा माइनस टू आएगा अच्छा टू नहीं आएगा क्यों क्योंकि ट्वेंटी वन में से ट्वेंटी थ्री को माइनस करेंगे तो माइनस का टू आएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एटीन बस माइनस कर दो फाइव इसका मतलब जो टेंथ रो होगी ना उसमें कितने प्लांट्स होंगे फाइव प्लांट्स होंगे बस क्लियर चलिए नेक्स्ट करते हैं द एगल ऑन ऑफ अ ट्रा एंगल आर इन ए पी द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइज द लीस्ट फाइंड ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रा एंगल एक ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो है ना वो ए पी में है मतलब ए पी में लगे हुए हैं उनका डिफ्रेंस जो है हर एक टर्म्स के बीच में वो सेम है तो मैं कह सकती हूँ अगर पहला एंगल ए है तो दूसरा मेरा ए प्लस डी होगा क्योंकि ए पी तो ऐसे ही बनती है तीसरा मेरा ए प्लस टू डी होगा अभी मुझे एक चीज़ और पता है यहाँ पर कि तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल के तो मैं ये कह सकती हूँ ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी का सम तो मेरे पास 180 एटी आएगा तीनों का तो अगर मैं वो चीज़ यहाँ पर कर दूँ ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी इजिकल टू वन एटी ठीक है ना तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री ए प्लस का थ्री डी इजिकल टू मई वन एटी तो मैंने यहाँ से क्या किया थ्री कॉमन ले लिया तो ए प्लस डी इजिकल टू वन एटी आ गया अब इस थ्री को मैं दूसरी साइड पे ले गई तो डिवाइड का हो गया तो 180 से 180 को डिवाइड किया थ्री से तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री ये मेरी एक इक्वेशन बन गई है यहाँ से अब एक और चीज़ मुझे दे रखी है वो क्या द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट जो सबसे बड़ा एंगल है तो सबसे बड़ा एंगल तो ए प्लस टू डी होगा ना ये वाला तो होगा तो जो ये वाला बड़े वाला एंगल है ना ये ट्वाइस है किसके लीस्ट छोटे वाले एंगल के और सबसे छोटा एंगल तो ये होगा ए वाला तो वो टू ए के बराबर है तो यहां पर से टू डी टू में ए आ जाएगा ठीक है इस वाले ए को दूसरी साइड ले गई हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ गई टू डी तो वो क्या करती कर हूँ तो टू डी प्लस का डी इजिकल टू सिक्सटी डिग्री तो थ्री डी इजिकल टू सिक्सटी डिग्री तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई ट्वेंटी डिग्री चलो डी की वैल्यू आ गई अब तो आप ए की निकाल ही सकते हो इसको इसके अंदर पुट कर दो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू इंटू मै ट्वेंटी इजिकल टू ए तो ए की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री बस ट्राइंगल के एंगल ही तो बताने थे फर्स्ट एंगल मेरा ए था 40 डिग्री आ गया दूसरे वाला मेरे पास कितना था ए प्लस डी तो इसका मतलब 40 प्लस ट्वेंटी डिग्री आ जाएगा तीसरे वाला कितना था ए प्लस टू डी इसका मतलब 40 प्लस फोर्टी तो कितना आ जाएगा एटी डिग्री ये लो ये तीनों एंगल आपके निकल गए क्लियर ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर थ्री चलिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी जल्दी से देख लेते हैं यहां आपसे क्या कह रहे हैं राम सेव्ड रुपीज़ फाइव इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय वन पॉइंट सेवन फाइव इफ़ इन द एंथ वीक हिज वीकली सेविंग बिकम ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव फाइंड एन देखो आपसे क्या कह रहा है एक लड़का है यहाँ राम वो उसने क्या किया ईयर के फर्स्ट वीक में पाँच रुपये सेव किए हैं ठीक है अब तो वीकली उसकी जो सेविंग है ना वो बढ़ती जा रही है वन पॉइंट सेवन फाइव से ठीक है ना अब वो कह रहा है जो वीक का एंथ एंथ वीक जो है उसमें जाके उसकी सेविंग इतनी हो गई है लास्ट में तो बताओ जो पूरे वीक थे उसके अंदर बीच में वो कितने थे मतलब एन आपको निकालना है नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको निकालनी है एपी पी यहाँ आप बहुत आसानी से बना सकते हो कैसे अगर आप देखो तो फर्स्ट में आपको आपने पाँच रुपये सेव किए राम ने उसके बाद उसने सेव किए इसमें वन पॉइंट सेवन फाइव ऐड कर दिया तो इसका मतलब सिक्स पॉइंट सेवन फाइव क्या होगा

ठीक है ए एन आपको पता है लास्ट टर्म ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव है फाइनली आपको सिर्फ एन निकालना है फॉर्मूला तो अब आपके दिमाग में आ ही चुका होगा अभी तक कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है है ना ए एन वाला ही लगाना है ना ए प्लस एन माइनस वन डी ये आपको पता है ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव है यहाँ पर ए आपको फाइव पता है एन आपको नहीं पता छोड़ दो डी आपको वन पॉइंट सेवन फाइव पता है ठीक है यहाँ तक अभी आप क्या करो 20.75 माइनस का 5 कर दो और यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस का 1 और डी की जगह 1.75 रख दो ठीक है इसको माइनस करोगे तो फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव आएगा अपॉन में वन पॉइंट सेवन फाइव आएगा और यहां पर आ जाएगा एन माइनस का वन ठीक है यहां तक उसके बाद आप फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव में आप क्या करो इसको इससे डिवाइड कर दो मैं तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करके बता रही हूं ठीक है तो नाइन आ रहा है तो एन माइनस वन इस एन वन को उधर ले जाओ एन प्लस एन कितना आ जाएगा आपके पास टेन आ जाएगा यही आपको फाइंड करना था क्वेश्चन में क्लियर चलिए नेक्स्ट करते हैं मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाइज बिटवीन टेन एंड टू फिफ्टी टेन और टू फिफ्टी के बीच में फोर के कितने मल्टीपल्स हैं ऐसे कितने नंबर हैं जो फोर के टेबल में आते हैं तो देख के पता चल रहा होगा एन निकालना है है ना पहले यहां पर ए पी बनाते हैं तो टेन और टू फिफ्टी ना इनके बीच के देखने हैं तो देखो टेन तो नहीं आता फोर की टेबल में इलेवन भी नहीं आता तो ट्वेल्व से एपी शुरू होगी ट्वेल्व के बाद सिक्सटीन आता है सिक्सटीन के बाद ट्वेंटी आता है ऐसे ये कंटिन्यू चलती रहेगी लास्ट आपका है टू फिफ्टी क्या टू फिफ्टी फ़ोर की टेबल में आता है नहीं आता तो 250 से छोटा नंबर है 249 तो वो तो आता ही नहीं होगा क्योंकि वो तो ऑड नंबर है तो 248 आता है क्या फोर के टेबल में बिल्कुल आता है तो लास्ट वाला 248 पता है मुझे अभी ए मुझे पता है 12 है डी मुझे पता है 44 का गैप होगा ए एन मुझको पता है 248 है और मुझे एन निकालना है कि कितनी टर्म्स हैं फॉर्मूला वही लगेगा ए एन इज़ इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है ये मुझे पता है टू फोर्टी एट है ए मुझे पता है ट्वेल्व है एन मुझे नहीं पता फाइंड करना है डी मुझे फोर पता है अभी हम क्या करेंगे टू फोर्टी एट इस ट्वेल्व को हम इधर ले आते हैं और फोर को नीचे ले आते हैं यहाँ पर एन माइनस वन बच जाएगा ठीक है टू फोर्टी एट में से अगर मैं ट्वेल्व को माइनस करती हूँ तो टू थर्टी सिक्स बचता है डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू एन माइनस वन यहाँ तक ठीक है अभी इसको हम क्या करते हैं फोर से डिवाइड करते हैं तो फिफ्टी नाइन आ जाएगा इजिकल टू एन माइनस वन अब तो आप एन की वैल्यू निकाल ही लोगे फिफ्टी नाइन प्लस वन करना है बस एन की वैल्यू आ गई सिक्सटी सिक्स जीरो सिक्सटी यही आपको निकालना था ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी अब एक क्वाड्रिलेटरल है ऊपर हम ट्राइंगल वाला करके आए ना ऐसी सेम क्वाड्रिलेटरल है उसके जो एंगल्स हैं वो एपी में है ठीक है ना और विद डी इजिकल टू टेन कॉमन डिफरेंस दे रखा है टेन है तो चलो एंगल्स बताओ करते हैं इस क्वेश्चन को भी आसान सा क्वेश्चन है ये हमारे पास तो देखो चार एंगल्स होते हैं तो अगर एक अगर हम देखें यहाँ फिगर बना लेते हैं वैसे जरूरत नहीं है पर बना के करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने लेट किया कि लेट जो मेरा एंगल ए है वो ए है ए पी में है ना तो एंगल बी है वो ए प्लस डी है एंगल सी जो है वो ए प्लस टू डी है और एंगल डी जो है वो मेरा ए प्लस थ्री डी है ठीक है अब मेरे को एक चीज़ पता है वो क्या कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो तो 360 के बराबर होगा ठीक है ना तो एंगल ए की जगह ए लिखा एंगल बी की जगह ए प्लस डी लिखा एंगल सी की जगह ए प्लस टू डी लिखा और एंगल डी की जगह ए प्लस थ्री डी लिख दिया इजिकल टू में थ्री सिक्सटी ऐसी है ठीक है अब कितने ए हैं एक दो तीन चार तो फोर ए आ गया डी कितना है एक यहाँ पर है दो यहाँ पर है तीन और तीन यहां पर है तीन प्लस तीन छे हो गए लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है टेन डिग्री तो आप यहां पर टेन लिख सकते हो है ना तो हमने टेन लिख दिया है यहाँ पर तो ये आ जाएगा फोर ए प्लस का सिक्सटी इजिकल टू में थ्री सिक्सटी आप सिक्सटी को दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा तो थ्री सिक्सटी में से सिक्सटी जाएगा तो थ्री हंड्रेड बचेगा डायरेक्ट लिख दिया है ठीक है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री हंड्रेड को मैंने क्या किया यहाँ पर फोर से डिवाइड करना है तो ही पता चलेगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी सेवनटी फाइव बस अब तो आप एंगल्स को निकाल ही सकते हो एंगल ए था मेरे पास ए तो वो आ जाएगा सेवनटी फाइव डिग्री एंगल बी था मेरे पास ए प्लस डी तो वो आ जाएगा मेरे पास 75 प्लस का 10 डिग्री क्योंकि डी 10 है मेरे पास 85 डिग्री देन एंगल सी था मेरे पास ए प्लस टू डी तो वो आ जाएगा मेरे पास 75 प्लस टू में 10 टेन तो ये कह सकती हूँ मैं 75 प्लस का 20 हो गया तो 95 हो गया ठीक है डिग्री एंगल डी मेरे पास था ए प्लस थ्री डी तो वो आ जाएगा मेरे पास 75 प्लस थ्री इंटू मै टेन तो ये कह सकती हूं मैं सेवेंटी फाइव प्लस थर्टी डिग्री तो ये हो जाएगा वन जीरो फाइव डिग्री ठीक है एक बार याद से इन सबको प्लस जरूर करना सेवेंटी फाइव प्लस एटी फाइव प्लस नाइन्टी फाइव और प्लस वन जीरो फाइव को क्या थ्री सिक्सटी आ रहा है और जल्दी से इनको एक बार प्लस करके मुझे कमेंट करके बता दो कितने बच्चों का इन चारों को प्लस करके थ्री सिक्सटी आ रहा है ठीक है थ्री सिक्सटी आ रहा है तो सही है नहीं आ रहा तो फिर देखते हैं कि गलती कहाँ हुई है ठीक है ना तो जल्दी से ऐड कीजिए और कमेंट करके बताइए कि थ्री सिक्सटी कितने बच्चों का आ रहा है इसी साथ वर्कशीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है एपी की ये वर्ड प्रॉब्लम वाली कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू